Hello dear class 10th CBSE students. It's a great initiative by Kota Coaching Institute, Credigy Kota. Earlier we discussed the problem related to sample question paper and आपको ये पता है कि ये जो sample question paper है ये official sample question paper है released by Central Board of Secondary Education New Delhi. रिलीज बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली. अब क्या कमाल कमाल के क्वेश्चन हैं, कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं. और इससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं और लगातार डिस्कस करता रहूंगा. सो दिस इज द थर्ड वन देयर. इट इज रिलेटेड विद ऑप्टिक्स, लेकिन मतलब इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. चलिए बहुत अच्छे कंसेप्ट्स पे हम काम करेंगे. सो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टूडेंट है, दिस इज अ डिवाइस वी कॉल इट एज, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे प्रिज्म कहते हैं. दिस डिवाइस इज नोन टू बी एज नथिंग बट वी कॉल इट टू बी एज प्रिज्म. ठीक है, व्हाइट लाइट एंटर करता है यहाँ से, और जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के लेफ्ट साइड से एंटर करता है और जब राइट साइड से एग्जिट करता है, इट इज द एंट्री फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज द एग्जिट. इसको कहते हैं हम इंसिडेंट लाइट और इसको कहते हैं एमर्जिंग लाइट. तो एमर्जिंग लाइट में आप देखते हो दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग द सेवन कलर्स. एग्रीड? विबग्योर VIBGYOR सारे सेवन के सेवन कलर्स हमें नजर आते हैं, और टॉप पे जो नजर आता है कलर दैट इज द रेड कलर एंड दिस गोइंग आउट टू बी एज व्हाइट कलर. तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछा है कि ये जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो पूरा फिनोमिनन दिखाई देता है आपको, दिस फिनोमिनन इज व्हाट, क्या है ये. तो हम कहेंगे दैट इट इज अ स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स, है ना. इट इज अ स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स. यहीं से पता लगा था कि हमारी जो व्हाइट लाइट है ना, इट इज मेड ऑफ सेवन पार्ट्स. बट आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द फिनोमिनन. ये आपका क्वेश्चन है. एग्रीड? पहली चीज के इस फिनोमिनन का नेम क्या है, ठीक है ना. अब मेरे लंबे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं किस चीज को स्पेक्ट्रम कह देते हैं. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द टीचर्स टू. तो यहाँ आप बात जिसे कहते हैं सावधानी पूर्वक इसे पढ़िएगा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको. और दूसरा क्वेश्चन है दैट रेड लाइट जो है इट इज कमिंग ऑन टू द टॉप एंड वायलेट इज कमिंग ऑन टू द बॉटम. तो वाई वायलेट इज गोइंग आउट टू बी एज बेंडिंग मोर एज कंपेयर टू रेड. Why violet light bends more? आपका violet जो है वो ज्यादा bend क्यों हुआ, एक question है आपके पास में, ठीक है ना. तो पहले concept समझा देता हूँ ताकि आप आगे भी problem नहीं आए, और फिर आप हमें WhatsApp पर contact कीजिए, only on WhatsApp. और आपकी यदि individual कोई problem है तो उसको भी हम openly YouTube पे लेके हमारा जो YouTube channel है उस पर आपको दे देंगे free of cost, ठीक है. But you go on to the solution now. So you studied about refraction, सबने पढ़ा होगा. Refraction is a phenomenon, आपका चैप्टर है जिसमें पहले रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है. आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ मीडियम वन ओवर हियर, इट इज मीडियम टू हियर, एंड ये जो पार्ट है आपके पास में इट इज इंटरफेस. मीन्स ये बाउंड्री लाइन है आपकी, अबव दैट देयर इज मीडियम वन एंड बिलो इट देयर इज मीडियम टू. एग्रीड? ध्यान से समझिएगा. और अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, इट इज एमसी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एमसीएल. इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा, घबराए नहीं. इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस सिंगल कलर्ड लाइट. मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसे ध्यान रखिएगा. इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस इस लाइट में सिंगल कलर है, ये व्हाइट लाइट नहीं है. आइदर इट इज रेड और इट इज येलो और इट इज गोइंग टू बी एज ग्रीन, लेकिन ये व्हाइट नहीं है. और इसका कलर क्या है आपके पास में, सिंगल कलर है. और ये जितने भी सिंगल कलर्ड लाइट्स हैं, व्हाट वी कॉल देम एज मोनोक्रोमेटिक लाइट्स. क्या कहते हैं इनको हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स कहते हैं, ठीक है. कलर कौन डिसाइड करता है यह भी बता रहा हूँ सारी चीजें. मेरा जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये एंटर करता है मीडियम वन से मीडियम टू पे. ऑब्जर्व कीजिएगा, ये नॉर्मल है, ये आपका इसे ओ कह दीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना. एंड सपोज दिस इज द मीडियम, इट इज एयर एंड हियर इज द मीडियम, इट इज वाटर. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं दैट द मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर्ड लाइट, इट्स रे इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू. द रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. एग्रीड?
एंड यदि मैं इंसिडेंट रे को आपको यहां शो करूं, सो दिस इज ओरिजिनल पाथ, ये जो मैंने शो किया डॉटेड, ये ओरिजिनल पाथ है एंड दिस इज नॉर्मल, ये आपका जो इंटरफेस है, यहां लिख रहा हूं इस चीज का नाम में, दिस इज इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसे समझ नहीं पाते, डीप डेप में पढ़ भी नहीं पाते, वॉट एवर बी द रीजंस, लेकिन आप तो पढ़िए। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट होता हुआ एक नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट होता हुआ परपेंडिकुलर किस पर, इंटरफेस पर, ये जो सरफेस है जो आपके टू मीडियास को, मीडियम वन और टू को क्या कर रही है, अलग कर रही है, डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जो बाउंड्री लाइन है कि अबो इट मीडियम वन, बिलो इट मीडियम टू, अबो इट एयर बट बिलो इट देयर इज वाटर। तो ये जो इंटरफेस है, अब समझिए इसको कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और मुझे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस इंटरफेस पर एक परपेंडिकुलर पुटअप करना है एंड दैट परपेंडिकुलर इज नोन टू बी एज, इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इट इज नोन टू बी एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हो, इसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, बी बी के एफल है ना, और ये आपकी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, ओपी लिख सकते हैं हम इसे, यहां लिख रहे हैं हम ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। तो आपकी रे को इस तरफ जाना चाहिए था, बट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, इट गेट डेविएटेड आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस फिनोमिनन इज नोन टू बी एज रिफ्रेक्शन। जब भी कोई लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज रिफ्रेक्शन, हम इसे रिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि सर रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था बट रे अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो एंगल है आपके पास में ओरिजिनल डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन के बीच का, इसको डेल्टा कहा जाता है एंड दिस डेल्टा इज नोन टू बी एज एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखोगे कि आपका ये एयर है, ये वाटर है, ओरिजिनल पाथ को लीव आउट करके आपका रे बैंड हो गया है, डेविएट हो गया है और डेल्टा आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, और म्यू डब्ल्यू को आप क्या कहते हो, ठीक है, इट इज नोन टू बी एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको अपर स्टैंडर्ड पे ले चलता हूं, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने म्यू डब्ल्यू, यहां देखिएगा, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा मीडियम वन कौन सा है, और फिर मैंने जब यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है उसका मीनिंग होता है ए, ए मीन्स एयर, बी वेरी केयरफुल, नहीं आया था मैं अभी दोबारा आपको समझा रहा हूं। दिस इज म्यू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल्स टू म्यू ए डब्ल्यू, दो नाम है इन चीजों के, आप इसे कह सकते हैं जब म्यू डब्ल्यू है तब तो आप इसे कह दीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट यू कॉल इट एज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और यहां कुछ नहीं है इसका मतलब एयर है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। आप इसे कह सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। जैसे आप यदि यहां लिखोगे म्यू जी, ठीक है ना, म्यू जी लिखा आपने, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो म्यू ए जी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और इसकी वैल्यू होती है 1.5, ठीक है। अभी देखिएगा एयर से हम वाटर पर आ रहे हैं, तो सारा खेल एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का है, एयर से वाटर पे आ रहे हैं तो सारा खेल एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का है। सपोज ये मीडियम वाटर की जगह ग्लास होता, ये मीडियम वाटर की जगह ग्लास होता तो सारा खेल एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हो जाता।
सारा खेल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हो जाता, म्यू जी का हो जाता। इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू कितनी है 1.33 और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, दैट गोज आउट टू बी इज 1.5। एग्रीड? बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। तो अब मैं आपको क्या कह सकता हूं कि भाई ये जो बैंडिंग है, मीन्स डेविएशन कितना आएगा, बैंड कितना होंगे, ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो बैंडिंग है, ये किस पर डिपेंड करती है? ये एंगल डिपेंड करता है आपका, और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, इट डिपेंड्स ऑन कि ये मीडियम का पेयर कौन सा है, एयर ग्लास है, एयर वाटर है, ठीक है ना, इस मीडियम पेयर पर डिपेंड करती है। तो मैंने यहां लिखा दैट डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन टू म्यू, म्यू दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं कि म्यू जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपका ये डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ये वाटर के केस में है ना, अब वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो यदि नीचे ग्लास होता तो ये रे आपकी यूं जाती और ज्यादा बैंड होते ही, इट इज फॉर, ये ग्लास के केस में होता है, ग्लास जी, और ये किसके केस में हो रहा है, ये वाटर के केस में। मीन्स म्यू की वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। मोर म्यू मींस मोर डेल्टा, हम ज्यादा झुकेंगे, हम पाथ से ज्यादा डेविएट होंगे। अब आपको एक चीज समझनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइंटिस्ट है काउचिस, काउची नाम है उनका, व्हाट्स द नेम, काउचे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। अब समझना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये मैं ये डॉट 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 लगा रखे, मैं इनको हटा भी दूंगा अभी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट विल बी इक्वल्स टू ए, ए इज अ कांस्टेंट, बी इज आल्सो अ कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, और लैम्ब्डा जो है आपके पास में, इट इज नोन एज, आप जानते हैं इसको, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्ब्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट यू कॉल इट एज, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या कहते हैं इसको हम, लाइट का वेवलेंथ कहते हैं। एग्रीड? और ये जो व्हाइट लाइट है, मुझे पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं पता अभी, पर अब मैंने क्या किया, दिस इज अ डिवाइस विच इज प्रिज्म, और प्रिज्म के लेफ्ट साइड से मैं व्हाइट लाइट पुट अप करता हूं, अंदर क्या होगा, गॉड नोस, बट ये प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का, और बाहर क्या है आपके पास में, एयर। तो आप कहोगे सर लाइट एंटर करेगा एयर से ग्लास में, एयर टू ग्लास, और फिर वापस जाएगा ग्लास टू एयर, वापस जाएगा ग्लास टू एयर, डू यू एग्री विद दैट, समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास रेड कलर का जो लाइट होता है, या मैं लिख रहा हूं आपके सामने, दीज आर द सेवन कलर्स, वी आई बी जी वाई ओ आर। रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम है, और वायलेट लाइट का वेवलेंथ मिनिमम है, और जब भी आप रेड से लेके वायलेट की डायरेक्शन में बढ़ोगे तो वेवलेंथ में कमी आती है। एग्रीड? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम, वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम। आपके पास वायलेट से इंडिगो का वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू का उससे ज्यादा, ग्रीन का उससे ज्यादा, येलो कलर का वेवलेंथ और ज्यादा, ऑरेंज का और ज्यादा, और मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, रेड का, है ना, समझ गए। तो लैम्ब्डा जब मैक्सिमम होगा, तो डिवाइड मैक्सिमम से कर रहे हो, तो म्यू मिनिमम होगा, लैम्ब्डा जब मैक्सिमम होगा तो म्यू मिनिमम होगा। अब मुझे देख के बताओ कि लैम्ब्डा मैक्सिमम तो म्यू मिनिमम, लैम्ब्डा मैक्सिमम किसका है, रेड कलर का,
तो लैम्ब्डा आर इज मैक्सिमम एंड म्यू आर इज मिनिमम, पक्का। लैम्ब्डा वायलेट, वायलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। मींस आप कहोगे कि म्यू जो है वो किसका, वायलेट के लिए, वायलेट के लिए मैक्सिमम है ना, और रेड के लिए मिनिमम। अब आपका काम पूरा हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे कि सर रेड का म्यू मिनिमम है, अभी अभी मैंने समझाया आपको है ना, तो म्यू आपके पास, म्यू मिनिमम तो यही तो बताया था मैंने कि डेल्टा म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू मोर होगा तो डेल्टा मोर होगा, म्यू लेस होगा तो डेल्टा लेस होगा। तो म्यू लेस तो डेविएशन भी लेस, और म्यू मोर तो डेविएशन भी मोर। लैम्ब्डा कम होने की वजह से वायलेट कलर के लिए लैम्ब्डा कम है, कम है तो कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो लैम्ब्डा कम होने की वजह से वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लैम्ब्डा कम होने की वजह से वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या आया, जल्दी से बताओ, मैक्सिमम। और म्यू मैक्सिमम आया वायलेट के लिए वी लिखा, तो डेविएशन भी मैक्सिमम, और लैम्ब्डा मैक्सिमम होने की वजह से रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मिनिमम आया। तो जब म्यू मिनिमम आया रेड कलर के लिए तो डेविएशन भी मिनिमम आया। तो रेड का डेविएशन मिनिमम आया और वॉलेट का डेविएशन मैक्सिमम आया। एक चीज, अब इसे, ये तो मैंने आपको समझाया, अब आपको आंसर लिखना है। तो एग्जामिनर को समझाना थोड़ी है वहां पे यार, आप जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आंसर लिखना है। तो पहली चीज तो क्या होता है कि जब ये वॉलेट लाइट एंटर करती है ये जो ग्लास आपका मीडियम है ना, ये ग्लास का मीडियम जो है वो आपका, उसका म्यू अलग अलग है, कलर डिपेंडेंट है। कलर डिपेंडेंट होते ही आपके पास में डेविएशन अलग हो जाते हैं, तो आपकी जो लाइट है वो वेरियस लैम्ब्डाज होने की वजह से अपने आप को क्या कर लेती है, स्प्लिट कर लेती है, अपने आप को क्या कर लेती है, स्प्लिट कर लेती है। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ, मेरी व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई, क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर के लिए म्यू मिनी, म्यू अलग अलग था। रेड के लिए म्यू मिनिमम था और वायलेट के लिए म्यू मैक्सिमम था। तो ये सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आया, वायलेट में, और सबसे कम डेविएशन किस में आया, रेड में। तो द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग आउट ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये सिर्फ दो नहीं है, रेड से वायलेट के बीच में फाइव कलर्स और हैं। ये रेड और ये वायलेट, बीच में आपके पास ये कलर्स और हैं, 1 2 3 4 5। ये कौन सा है, रेड। रेड के बाद आपके पास क्या आएगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये सब आएंगे, तब जाके आपका वायलेट आएगा। तो इट इज अ स्प्लिट ऑफ, इट इज द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्सन, व्हाट वी कॉल इट एज डिस्पर्सन। तो आपको बहुत सधे हुए शब्दों में मार्क्स लाने ना, आपको सधे हुए शब्दों में लिखना है, स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स एज शोन इन फिगर। स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एज शोन इन फिगर इज नोन एज डिस्पर्सन। ये एक लाइन का आंसर है। स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। ओवर, आपका काम पूरा हो गया। एग्रीड, बात समझ आ गई आपको। दूसरी चीज, व्हाई वायलेट लाइट बेंड मोर, तो आप बता दोगे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास is dependent onto the color of light, dependent onto the wavelength of the light. तो क्या लिखेंगे, according to Cauchy's formula, number 2 का answer लिख रहा हूं। According to Cauchy's formula, the refractive index is dependent onto the wavelength of the light. As the wavelength of the red is minimum,
सो फॉर रेड म्यू इज एज द वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एज द वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम सो म्यू इज मिनिमम एंड एज म्यू इज मिनिमम सो डेविएशन इज मिनिमम इज दैट क्लियर सो इन रेड कलर द डेविएशन इज मिनिमम बट फॉर द वायलेट द वेवलेंथ इज मिनिमम सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम एंड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द डेविएशन इज मैक्सिमम इन वायलेट कलर और आप इसे सॉल्व कर दोगे एंड डेफिनेटली ये सब काम किसके लिए कर रहे हैं हम वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द मार्क्स तो एक नया कंसेप्ट तो आपका ये क्लियर हुआ कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है एक तो मीडियम कौन सा है विच मीडियम पर मीडियम के अलावा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है मीडियम पर तो डिपेंड करता ही है लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है डू यू एग्री विद दैट ये बात समझ आ गई आपको ठीक है तो यदि आपने मीडियम सेम रखा मीडियम जो है वही है आपका एयर ग्लास तो एयर ग्लास ये तो फिक्स हो गया पेयर तो मीडियम ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट कलर्स ऑफ लाइट वेवलेंथ कलर को आपने जो क्रोम है ना मोनोक्रोमेटिक मैंने बोला था मोनोक्रोमेटिक लाइट क्रोम मीन्स कलर एंड कलर्स आर डिसाइडेड बाय वेवलेंथ कलर्स आर डिसाइडेड बाय वेवलेंथ जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा हम रेड कलर की तरफ जाएंगे और जितना कम वेवलेंथ होगा हम वायलेट कलर की तरफ जाएंगे एग्रीड तो फर्स्ट फिनोमिनन स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स द फिनोमिनन इज डिस्पर्सन एंड व्हाई द रेड इज बैंडिंग मिनिमम एंड व्हाई द वायलेट बैंड्स मैक्सिमम Because lambda is minimum for violet, so mu is maximum, and mu is maximum, so deviation is maximum. And for red, the lambda is maximum, so mu is minimum, and for minimum mu, the deviation is minimum. Agreed? है ना कमाल का question बस अब आप मुझे बताइए ये सारी की सारी चीजें आप जाके पूछिएगा मैं फिर आपको गारंटेड चीज बता रहा हूँ क्रेडिजी कोटा कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मोस्ट ऑथेंटिक बात होती है विद जीरो नॉनसेंस एग्रीड हमारा कमर्शियल एंगल जीरो है हमारे पास जो भी एंगल है दैट इज प्योरली एकेडमिक हम भाषा अच्छे इस्तेमाल में करते हैं हम हमारे कंसेप्ट अच्छे इस्तेमाल में लेते हैं हम कंसेप्चुअल ही चलते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं ठीक है ना बाकी नहीं कर सकते तो अब ये चीज आप देखोगे इट इज एग्जैक्टली इन कोर्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ एग्जैक्टली और इस लेवल का क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट नहीं कर पाता है इज दैट क्लियर इन योर माइंड तो यदि आपने टेंथ बोर्ड की भी सिंसियरली तैयारी की मैं तो अभी किसकी बात कर रहा हूं आपके सामने सिंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय हूं किसने इशू किए खुद सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं उस सिंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं एंड दिस इज हैविंग दिस गुड स्टैंडर्ड हियर एग्रीड तो बस इसी तरह से आप कमाल का पढ़ते रहिए और मैं कमाल का पढ़ाता रहूंगा थैंक यू